आप हिंदुस्तान के भविष्य हो और आपको भविष्य आज दिख रहा है। कोरोना आने से पहले मैंने कहा कि तूफान आने वाला है, फरवरी में कहा, तैयारी कीजिए। सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। जब तूफान आया मैंने फिर सुझाव दिया, युवाओं के भविष्य के लिए आपको तीन काम करने होंगे। पहला, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में न्याय योजना जैसा डायरेक्ट पैसा डालिए। दूसरा, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो युवाओं का भविष्य है, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और तीसरा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको संभालिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ नहीं किया, उल्टा नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, आपने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। आज भी आप तीन काम कर सकते हो। पहला, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, उनको पैसा दीजिए। और तीसरा, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं अपने मित्रों को, ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। आज भी आप ये काम कर सकते हैं। युवा आपकी ओर देख रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए आप। बहुत दिनों से आपने कुछ बोला नहीं, ना अर्थव्यवस्था के बारे में आप बोलते हैं, ना चाइना के बारे में आप बोलते हैं। कुछ बोलिए, देश आपकी ओर देख रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।